नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा भाग है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वेयर। हमें इसका गुणनखंड करना है। तो देखो, सबसे पहले जैसा हम पिछले भागों में करते रहे, सबसे पहले देखो 27 27 जो है इसको मैंने एक क्यूब के रूप में लिखना है, ठीक है। तो 27 किसका क्यूब हो सकता है? 3 का। 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 को मैंने लिखा है 3 का क्यूब। माइनस, ध्यान से देखना, यहां भी इसका क्यूब बनाना है। अब यह है 125 ए क्यूब, ए का तो ब्रैकेट में ए ही आ जाएगा ताकि ए का क्यूब बन जाए ए क्यूब। 125 किसका क्यूब होगा? 5 का। 5 गुना 5 125, सॉरी 5 गुना 5 25, 25 5 125, इसका मतलब 5 का क्यूब होगा 125। अब यह बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आगे बनाना है माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस 3 इंटू ए, ए कितना है 3, इंटू बी कितना है 5, इंटू ए माइनस बी, ए है 3 माइनस बी है 5a। करके देखो, 3 तिया 9 5 45, 45 तिया होता है 135, साथ में है a, तो ये आ गया माइनस 135 है पहली रकम से। दूसरी रकम के लिए इसको गुना करो, 3 तिया 9 5 45 a, इसको जब 5 से गुना करेंगे, 45 गुना 5 होता है 225, और a गुना a हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब इन दो रकमों को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, ये हमने ठीक लिखा है, ठीक है बच्चों। ये बनाना ही मेन काम है इस क्वेश्चन का, ये स्टेप। ना समझ आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखना कि मैंने कैसे बनाया है ये, ठीक है बच्चों। अब ये हमारी एक सरल समीका बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर होता है ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर, ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर। तो हमारे पास ये आया देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहां पे ए है 3 और बी है 5 ए, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होगा 3a माइनस बी होल क्यूब के, ठीक है। और ये होल क्यूब का मतलब क्या हुआ? ये ब्रैकेट इसी ब्रैकेट से 3 बार गुना हो जाएगी, तो ये आ गया 3 माइनस 5 ए इंटू 3 माइनस 5 ए इंटू 3 माइनस 5 ए। यही इस टर्म का गुणनखंड है जो हमें प्राप्त करना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।